दोस्तों आज चाय पे चर्चा करते हैं। उमेश अप प्लॉटचर आपका स्वागत करता है। मेरी वाइफ मेरे साथ आई हुई है और चाय की चुस्कियां लेते लेते शुरू करते हैं बातचीत का। ये आगे सिलसिला बढ़ाते हैं। मैडम जी, कैसा लगा आपको ये ऑर्चर्ड? आप काफी देर बाद आई है हमारे ऑर्चर्ड में। ऑर्चर्ड तो बहुत अच्छा लगा, मन भी प्रसन्न हुआ देख के। सेब बड़े अच्छे लगे हुए हैं और कलर भी बड़ा अच्छा आया हुआ है उन पे। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मेरा तो दिल ही नहीं घर जाने को कर रहा। मेरा दिल करता है कि मैं इधर ही बैठी रहूं। एक बात बताइए आप, ये हमारा लगभग 10-15 सालों का अथक प्रयास है। वैसे तो 30 साल हो गए ऑर्चर्ड लगाए हुए, और हम पहले रॉयल पे काम करते थे। अब ये जो नए पेड़ लगे हैं इम्पोर्टेड पेड़, उसमें आपको कैसा लगा? ये उससे भी बढ़िया। आपको पता मेरे को 10 साल हो गए, मेरे पड़ोस में खजियार है, पड़ोस में खजियार है। मैं खजियार गए हुए मेरे को कितने साल हो गए? काफी साल हो गए। हमारा ऑर्चर्ड ही वो खजियार है, तो खजियार जैसा है, तो वहाँ खजियार जाके क्या करना हमने। और ऐसा नहीं है दोस्तों, अपने बहुत से मन मारने पड़ते हैं ये ऑर्चर्ड चलाने के लिए। जब एस्टेब्लिश कर रहा हो तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा बहुत एस्टेब्लिश हो जाए तो मेहनत कम होती जाती है। ये हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं बैकग्राउंड में, हमने ये सभी एक एक वैरायटी का पेड़ लगा रखा। ये कम से कम 15-20 वैरायटियाँ हमारे 20 वैरायटियाँ जो है, जो लेटेस्ट वैरायटियाँ हैं हमारे, ये इस साल हमने एक नई टेक्निक लगाई है कि कोई आए और ये देखे कि एक सैंपल कैसा है, उसको पूरा ऑर्चर्ड विजिट ना करना पड़े, इसी में वो देख ले पूरा विजिट, पूरा ऑर्चर्ड ही इसमें एक ही अम्ब्रेला के नीचे हमने डाल दिया। और आप हैरान होंगे कि हमने जो पूरा ऑर्चर्ड मेंटेन किया है, ये हमारी जो हमारे काम हमारे साथ काम करते हैं संजय कपूर, ख्यालू जी, अपने दुनू जी और अपने धारू राम जी, प्रेम जी ने 2-4 साल हुए अभी ज्वाइन किया, बाकी को 15-20 साल हुए हैं। दोस्तों मैं इनके अथक प्रयास की वजह से ही अपना ऑर्चर्ड चला पाता हूँ। और मेरी मैडम रोज पूछती है ये फुल फ्रूट कब होगा। ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको अभी लगा कि अभी बहुत देर बाकी है? नहीं, अब तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा 2-3 साल में। सबर की बहुत जरूरत होती है ऑर्चर्ड में। सबर की चाय की चाय पीजिए आप साथ में। आपको क्या लगता है कि ये दिन एक रात पौधे लगाए सुबह फ्रूट हो जाएगा, ये ऐसा नहीं हुआ? कम से कम इम्पोर्टेड प्लांट में भी हमें 5 साल का इंतजार अच्छी फसल लेने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि उसको स्ट्रक्चर तैयार करने में 4-5 साल लग जाते हैं। या जो जिनके पास बहुत पैसा है वो 1-2 साल में कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम 1 ही साल में प्लांट ले, ऊपर जो एंगलिंग वगैरह कर रही है वो 1 ही साल में कर दें। हम आहिस्ता आहिस्ता अपने बजट के हिसाब से करते हैं, और उसके साथ हमें थोड़ी बहुत 1-2 साल देरी हो जाती है, पर फिर भी हमारा ये अथक प्रयास है। हम दोस्तों आपसे रूबरू होते रहते हैं, आपको हर चीज़ हम बताते रहते हैं। उमेश अप प्लॉटचर कभी भी फेक वीडियो नहीं डालता। ये नहीं है कि मैंने कभी पिछले साल की डाल दी या उसमें एडिटिंग करके कुछ कर दिया। जो ओरिजिनल बात है मैं वही बताता हूँ। मेरा ये शौक है, मैं कोई प्रोफेशनल तौर पे कोई ऑर्चरिस्ट नहीं हूँ, लेकिन या मैं कोई ऐसा कोई सामान नहीं बेच रहा मैंने ऐसा कि शो ऑफ करके, मैं जो एक हकीकत होती है उसको बताने का प्रयास करता हूँ। और परमात्मा, हम अपनी चमुंडा माता की गोद में बैठे हैं, वो हमें सहयोग भी देती है, हमें शक्ति भी देती है, और हम समय समय पर जो वो काम बताती है हम करते जाते हैं। ये सारा बगीचे का श्रेय हमारी माता, जिसके हम संरक्षण में बैठे हुए हैं, उसको ये समर्पित है। हमारा कोई भी काम जो होता है हम उससे शुरू करते हैं और उसी से ही हम वो हमारे बगीचे की एक पूरी सुरक्षा करती है, और हमें गाइड भी वही करती है। और मैं तमाम उन साथियों का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ जो हमें देखते हैं, जो हमें सलाह देते हैं, जो हमें टोकते हैं, जो हमें
मैं श्री सजीव चौहान का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गुलजार जी, भट्ट साहब, आलमदार भट्ट और शहनवाज खान और ऐसे मेरे असंख्य मित्र हैं, मैं अभी बिल्कुल नाम नहीं आ रहे, लेकिन मैं उनका सभी का शुक्रगुजार हूँ। मैं शकूरवानी और कश्मीर से, और मैं फिरोज भट्ट, आशिक भट्ट और मेरे एक दोस्त है विनोद कैत, मैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि ये जो हमारी यात्रा शुरू हुई है ये विनोद कैत ने ही हमें सुजेशन दिया कि भाई जी फ्रूट वो होना चाहिए जो 15 जुलाई को शुरू हो जाए, 15 अगस्त तक आप ख़त्म करके क्लोज कर दो। उसी के ऊपर हमने काम किया, उसी के ऊपर हमने अमल किया। मैं आपको फिर एक बार अपनी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे झेलते हैं। एक बार फिर आपसे मैं विदा लेता हूँ, कुछ अंतराल के बाद फिर मिलते हैं, अगले संडे को फिर मिलते हैं। बाय बाय।